अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट बबलू लाहौरी। एंड दोस्तों, 23 से 25 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर अगर आपको एक अच्छा और वैल्यू फॉर मनी फ़ोन लेना है तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज इस प्राइस कैटेगरी के अंदर मेरे हिसाब से जो बेस्ट फ़ोन है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। आई होप कि आपको एक अच्छा और वैल्यू फॉर मनी फ़ोन मिल जाएगा इस वीडियो के बाद। वीडियो कहीं भी पसंद आए इसको लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए आ गए हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा लेना ताकि आगे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, अगर 25-26 हज़ार रुपये की रेंज में बात करें ना, तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे काफी फोन सेल होते हैं मार्केट में और दो ही ब्रांड इस रेंज को डोमिनेट करते रहे हैं 2021 में, और वो है टेक्नो और इन्फिनिक्स। क्योंकि रीजन ये है कि बाकी ब्रांड जरा कोई सस्ते नशे करके सो रहा है, कोई टुन होकर गिरा पड़ा कहीं पे, कोई मतलब वैसे ही मस्त होकर सो रहा है, कुछ पागल हो गए ब्रांड, इस तरह का सिनेरियो था। जब बाकी ब्रांड कुछ नहीं करेंगे तो ये दो ब्रांड अच्छा खेल रहे थे, मार्केट को अच्छा कैप्चर किया। अभी 2022 के अंदर न्यू जो लॉन्चिंग है उसके स्पेल स्टार्ट नहीं हुए, तो क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो जो अवेलेबल बेस्ट ऑप्शन है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर आपको 23-23 हज़ार रुपये के अंदर एक अच्छा फ़ोन लेना ना, तो पहली जो ऑप्शन है वो है इन्फिनिक्स हॉट 11S। ये जो फ़ोन है 3 महीने पहले आया था पाकिस्तान में और इसको मैं रिव्यू कर चुका हूँ कंप्लीट, लिंक मैंने रखा हुआ डिस्क्रिप्शन में, ज़्यादा डिटेल के उसको देख सकते हो। और मुद्दे की बातें करें, कुछ हाईलाइट्स को डिस्कस करें, तो परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, हीलियो G88 का प्रोसेसर है और ये फ़ोन अपनी रेंज में ना 23-23 में दो फोन्स को माइनस कर देता है, टेक्नो कैमन 17 को और टेक्नो स्पार्क 8 प्रो को। दोनों फोन्स की जगह पे ये एक बेटर ऑप्शन है, आप इसकी तरफ जा सकते हो। डिस्प्ले भी फुल HD प्लस है और ये 90 हर्ट्ज का है, ये एक अच्छा फीचर है इस रेंज में, एक स्मूथ आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। गेमिंग करना चाहते हो तब भी परफॉर्मेंस अच्छी है, हैवी यूज़ है, गेमिंग नहीं भी करनी तब भी परफॉर्मेंस अच्छी है, कोई हैंग लैग इश्यूज़ नहीं है। उसके अलावा कैमराज काइंड ऑफ एवरेज है, मतलब डेडिकेटेड कैमरा फोन नहीं है, पहले से थोड़ा सा इंप्रूव है। रिव्यू में जब आप देखोगे ना सैंपल्स, आपको आइडिया हो जाएगा उस चीज़ का। बड़ी बैटरी के साथ बैकअप भी अच्छा है, स्टीरियो स्पीकर्स भी हैं, मतलब एक अच्छा पैकेज है। 23-23 के अंदर इन्फिनिक्स हॉट 11S 4/128 वाला वेरियंट आपको ईजिली मिल जाएगा ऑफलाइन मार्केट में, पिन पैक, आप इस फोन की तरफ जा सकते हो। अगला फोन मेरी लिस्ट में जो आपको बेटर वैल्यू दे सकता है वो है इन्फिनिक्स नोट 11। 1.5-2 महीने पहले ये फोन लॉन्च हुआ है पाकिस्तान में, रिव्यू मैंने किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, ज्यादा डिटेल उसमें मिल जाएंगी आपको। मुद्दे की बातें करें तो ये फीचर लिखे हुए हैं इसके, इसका डिस्प्ले इसकी मेन हाईलाइट है, बिकॉज इस प्राइस सेगमेंट मतलब 29 का फोन है, इनवॉइस प्राइस डिस्काउंट के बाद 25,500 से 26 तक ये फोन आपको मिल जाता है, तो एक बेस्ट डील है इस रेंज के अंदर। आपको एमोलेड डिस्प्ले यही फोन दे रहा है, डिस्प्ले की क्वालिटी, कलर्स और मतलब एक एक्सपीरियंस बेटर निकल के आएगा। उसके अलावा परफॉर्मेंस भी हाईलाइट है, हीलियो G88 का चिपसेट है, आपने हैवी यूज़ भी करना है बेहतर चलेगा, आपने गेमिंग करनी है बेहतर चलेगा, 40 FPS का गेम प्ले अच्छा दे देता है, जायरो भी हार्डवेयर वाला है इसके अंदर, तो ये चीज़ें। उसके अलावा कैमरा ठीक है, कैमरा डेडिकेटेड फ़ोन नहीं है लेकिन इंप्रूव किया है इन्फिनिक्स ने, अगेन मैं यही कहूँगा। और रिव्यू में मैंने सारे सैंपल अटैच किए हैं, आप उसको देख लेना जाके। फ्रंट सेल्फी 16 MP की है, बैक पे 50 MP ट्रिपल सेंसर है, मतलब थोड़े रेलू गड्ढे भी हैं उसके अंदर, तो ये है कि इंप्रूव किया है, डेडिकेटेड कैमरा फ़ोन नहीं है। बैटरी बड़ी है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग, 18 नहीं बल्कि, तो ये भी एक इस फोन की हाईलाइट है। लाइट वेट फोन है, हैंडी फोन है, अच्छा फोन है, ले सकते हो, मतलब 25,500 से 26 तक एक अच्छी वैल्यू आपको देगा। अगर आप परफॉर्मेंस लवर हो, आपको गेमिंग के साथ साथ एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें बैटरी टैंक लगा हुआ हो, तो फिर आप जा सकते हो टेक्नो पोवा 2 की तरफ। अब ये फोन भी 3-4 महीने पहले 2021 में ही लॉन्च हुआ है, मतलब ये सारा माल 2021 का ही है भाई, 2022 में ना अभी जरा धमाके होने हैं लॉन्चेस के, तो देखते हैं कौन कौन से फोन्स क्या क्या ऑप्शंस मिलती हैं आपको। अभी ये फोन अवेलेबल है मार्केट में, फीचर इसके स्लाइड में लिख दिए हैं मैंने, इसको मैंने गेमिंग रिव्यू किया हुआ डेडिकेटेड, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, ज्यादा डिटेल उसी में मिलेंगी। कुछ मुद्दे की बातें कर ली जाएं तो 7000 mAh की बैटरी है, काफी तगड़ा बैटरी बैकअप है और 18 वाट की चार्जिंग है, चार्जिंग थोड़ा टाइम लेगी लेकिन बैकअप काफी अच्छा है बैटरी का। उसके अलावा पबजी खेलते हो 40 FPS अच्छा गेम प्ले आपको मिलेगा, जायरो हार्डवेयर वाला तो वहां से भी कनेक्टिविटी बेहतर है। कैमराज के लिए नहीं है, कैमराज काइंड ऑफ एवरेज है इस फोन के, बड़ा सारा डिस्प्ले है 6.9 इंच का और ये पंच होल में आता है, 60 Hz का रिफ्रेश रेट है, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन है, 180 Hz का टच सैम्पलिंग है डिवाइस का ना, मतलब जो टच रिस्पॉन्स है गेमिंग के दौरान वो बेहतर है। तो पोवा 2 29 प्राइस है, 25,526 में आपको इजीली अवेलेबल है मार्केट में, इस सेगमेंट में एक बेहतर ऑप्शन है फॉर परफॉर्मेंस लवर, फॉर गेम लवर्स, आप इस फोन की तरफ देख सकते हो। अगला फोन मेरी लिस्ट के अंदर एक बेटर वैल्यू के लिए आप जा सकते हो, टेक्नो कैमन 18T के साथ। अब ये भी फोन 1-1.5 महीने पहले ही पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है, 28 प्राइजेस की, 24,000 रुपये तक, 24,500 तक ईजिली अवेलेबल है अच्छे डिस्काउंट के बाद। फीचर स्लाइड में लिख दी है मैंने, 4/128 वाला ये वेरियंट है। उसके अलावा परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाती है, एक तगड़ा चिपसेट है हीलियो G85 का, आपने हैवी यूज़ भी करना है परफॉर्मेंस सही मिलेगी, आपने गेमिंग करनी है जो पबजी प्लेयर है, जायरो
नहीं है भाई इसके अंदर, मैं आपको पहले बता दूं। तो जायरो लेना तो प्रीवियस वाली ऑप्शन जो बताइए उसके ऊपर चले जाना आप। और बाकी है कि कैमरास देखें बैक पे इन्होंने 48+2+2 का कम्बिनेशन रखा है, अगर उसमें अल्ट्रा वाइड भी लगाया जाता तो कुछ चीज़ें और ज़्यादा समझ में आती। तो फ्रंट सेल्फी भी 48 मेगापिक्सल की लगाई है, तो 48 फ्रंट पे लगाना मतलब आप 108 भी लगा दोगे ना, जब तक उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं किया जाएगा अच्छे से वो रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस होंगे। तो कैमराज अपनी रेंज के हिसाब से काइंड ऑफ डिसेंट है, लेकिन मैं इसको डेडिकेटेड कैमरा फोन अगेन रेट नहीं करता इस रेंज में, ठीक है। परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी, डेड डिसेंट से कैमराज है, प्राइस रेंज के हिसाब से एक अच्छा पैकेज है। टेक्नो कैमन 18T 24-24500 में आप ले सकते हो। कुछ यूज्ड कंडीशन में भी ऑप्शन आपको बता देता हूँ, अगर आपको अच्छा कैमरा फोन चाहिए कोई 26-27 की रेंज के अंदर, तो फिर आप देख सकते हो रेडमी नोट 10 की तरफ। 9-10 मंथ पहले ये फोन पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था और 3-4 मंथ के बाद ही ना डिसकंटिन्यू कर दिया, आई डोंट नो क्या रीज़न था, लेकिन अगर ये अभी भी आ रहा होता ना तो बैंड बजा देता इस रेंज के सारे फोन्स की, बिकॉज इसके कैमरा अच्छे हैं। शाओमी की जो इमेज प्रोसेसिंग है, जो कैमरा गेम है, वो काफ़ी बेटर है इन्फिनिक्स और टेक्नो के मुकाबले में। और 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमराज हैं जिसमें अल्ट्रा वाइड सेंसर भी दिया गया है, मतलब एक यूजफुल कैमरा सेटअप। फ्रंट सेल्फी 13 मेगापिक्सल की, इसको मैंने डिटेल में रिव्यू किया है अपने चैनल पर, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा ज़्यादा डिटेल के लिए। और UFS स्टोरेज भी है, 4/128 का कम्बिनेशन भी है रैम और स्टोरेज का, और 33 वाट की चार्जिंग भी है भाई यहाँ पे। स्नैपड्रैगन 678 का हार्डवेयर है, जो एक कैपेबल हार्डवेयर है, गेमिंग करते हो गर्मी में थोड़ा गर्म शर्म हो जाता है। बाकी सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ बग्स वगैरह थोड़े बहुत चलते रहते हैं शाओमी के MIUI को लेके, अभी के लिए चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो गई हैं। रेडमी नोट 10 का अगर कोई यूज़र मेरी वीडियो देख रहा है तो फीडबैक अपना वीडियो के कॉमेंट्स में दे सकते हैं। तो 26-27 के अंदर ही आपको यूज़ में मिल जाएगा, कोई 5-6 मंथ की वारंटी मिल जाए अच्छी बात है। बॉक्स के साथ एक्सेसरीज और 10x10 कंडीशन में बाय करें तो एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। और एक यूज्ड फोन जो आप गेमिंग के लिए देख सकते हो जिसकी तरह, वो है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो। अभी ये फ़ोन 7-8 मंथ पहले आया था, अभी के लिए न्यू में भी मिल रहा है, लेकिन क्योंकि 11 सीरीज भी आ गई हुई है और इसकी जो प्राइस है 35,000 रुपया, तो मतलब न्यू में तो फायदा है कोई नहीं इसको कंसीडर करने का। तो 26-27 के अंदर अगर आपको ये मिलता है अच्छी कंडीशन के अंदर, तो आप जो गेमर्स हैं जिनको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो वो स्टिल इस फोन की तरफ देख सकते हो। इसमें आपको हीलियो G95 का चिपसेट देखने को मिल जाता है और कैमराज काइंड ऑफ एवरेज है इसके। 8/128 वाला इसका वेरियंट है, 90Hz का एक बड़ा डिस्प्ले है फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन के साथ, और बड़ी बैटरी के साथ 33 वाट की चार्जिंग का कंबिनेशन में मिल जाता है। तो 26-27 की रेंज के अंदर अगर आपको ये मिल जाता है, एटलीस्ट 9x10 कंडीशन, 6-7 मंथ की वारंटी मिल जाती है, बॉक्स के साथ कंप्लीट एक्सेसरीज मिल जाती हैं, OLX पे कोई डील देख लेना या मार्केट जाके देख लेना, तो इस सेगमेंट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस के लिए एक बेहतर ऑप्शन इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो हो सकती है, जिसकी तरफ आप देख सकते हो। तो ये थे मेरी आज की लिस्ट के बेस्ट फोन्स मेरे हिसाब से, जो आपको अच्छी वैल्यू दे सकते हैं। आप इनमें से कोई फ़ोन बाय कर लेना इस रेंज के अंदर, और अगर कोई फ़ोन मैं मिस कर गया हूँ इस लिस्ट के अंदर तो वीडियो के कॉमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन लाजमी बजा लेना, क्योंकि अगली जो प्राइस कैटेगरीज हैं उनकी वीडियोज़ भी अपडेट करने वाला हूँ और रॉन्ग फोन्स वाली वीडियो भी मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ चैनल पे। तो मेक श्योर उन वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो ये वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने चाहने वालों का बहुत सारे ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।